आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे बड़ा इम्पोर्टेंट है लेक्चर। उसकी वजह ये है कि ये लेक्चर बेसिकली यूरोपियन हिस्ट्री और यूरोपियन पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक जिस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन टर्निंग पॉइंट था यूरोपियन सॉइल के ऊपर, इसी तरह ये इवेंट भी एक टर्निंग पॉइंट। तो वर्ल्ड वॉर वन को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम उसकी जरा कॉजेज को अंडरस्टैंड करें, ताकि हमें वर्ल्ड वॉर वन में जो हुआ और उसके बाद जो हुआ उसको जरा समझ सके, और उसके बाद जो भी लीग फॉर्मेशन हुई है या जो भी सेटअप डेवलप हुआ है उसको जरा हम समझ सके। बड़ा ये आपने ये इसमें कौन सी जो मेजर रीजंस हमें देखने को मिलती हैं जिसने वर्ल्ड वॉर वन को स्टार्ट किया, और जो के बाद जो यूरोपियन पॉलिटिक्स के अंदर चेंज आया, स्पेशली उसके बाद जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी चेंज आया, न्यू वेव्स चली, और वो जो 400 या 500 ईयर्स से इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट था उसको हम देखते हैं कि चैलेंज का सामना करना पड़ा बिकॉज ऑफ दीज वॉर्स, उससे बाद जो उसका आउटकम हुआ उसकी वजह से। उसके अंदर डिप्लोमेसी के अंदर हेनरी किसिंजर जो है काफी डिटेल में इस वर्ल्ड वॉर के पीरियड्स को और उसके बाद के और फिर वर्ल्ड वॉर टू के उसको डिटेल में डिस्कस करते हुए देखता है, और उसमें कॉजेस को डिस्कस करता है, उसके इंपैक्ट्स को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपनी बुक डिप्लोमेसी। हम उसको भी देखेंगे, साथ में इसमें जाहिर है और भी काफी बुक्स जो मैं आपको बताई भी हैं उनको भी आपने स्टडी करना है ताकि आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। रिसेंटली बल्कि क्वेश्चन भी आया हुआ था पीएमएस हिस्ट्री के अंदर, 2022 के अंदर भी आया हुआ था और 2023 के अंदर भी आया, खास तौर पर 2022 के अंदर तो डायरेक्ट आया हुआ था लेकिन 2023 के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट आया, तो उसको आपने लास्ट में जाके देखना है पीएमएस की हिस्ट्री के अंदर। अच्छा, अब कहानी ये है हजूर कि मैं आपको एक ट्रेजेक्ट्री तो हम जाहिर है डिस्कस कर रहे हैं, और उसके अंदर हम किस तरह राइज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, और वो भी इटसेल्फ बेस्ड थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये एक जो है वो नेशनलिज्म का
जो राइज है उसका रिजल्ट हमें नजर आता है। तो ये यहाँ तक तो नहीं रुकेगा, जाहिर है फिर इसने आगे भी पढ़ना है। और इसने नेशनलिज्म की जब आप एक्सट्रीम फॉर्म की तरफ जाते हैं, वो फिर आप पेट्रियटिज्म या जो है ना वो फिर आप दूसरी नेशंस को भी अपने इंटरेस्ट के लिए हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो बारी बारी हम डिफरेंट कॉजेज को देखते हैं वर्ल्ड वॉर वन की। ये जो इतना बड़ा इवेंट हुआ 1914 से 1918 तक, इसकी क्या वजूहात थी? तो सबसे पहली वजह जो है वो है इसकी नेशनलिज्म। राइज ऑफ नेशनलिज्म हम देख चुके हैं कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज थे वो यूरोपियन पॉलिटिक्स के अंदर इंट्रेंच कर चुके थे, लेकिन ड्यू टू मैट्रोनिक सिस्टम उसने उन आइडियाज ने को बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया। लेकिन लिटरेचर के अंदर, राइटिंग्स के अंदर, या लोगों के अंदर जो है वो आइडियाज उनके माइंड में थे, और साथ में फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी स्टार्ट हुई थी। उन्होंने जरा सिस्टम को, हर नेशन ने अपने नेशनल इंटरेस्ट के अंदर इस चीज को देखना स्टार्ट किया। और फिर जब ये पीक इसकी हम देखते हैं यूरोपियन पॉलिटिक्स में 19th century के अंदर, वो है आपकी 1871 की दो यूनिफिकेशन, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, ये हमें पीक नजर आती है। और इसके बाद जो ये नेशंस करती हैं कि किस तरह ये, खासतौर पर जर्मनी यूनिफिकेशन के अंदर हमने देखा था, आपने अगर लेक्चर नहीं देखा तो आप जो है वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाला लेक्चर है उसको सुनिए। ये किस तरह आफ्टर द यूनिफिकेशन बिस्मार्क ने किस तरह अलायंसेस बनाए थे, और वो सीक्रेट अलायंसेस थे, और किस तरह वो इंपीरियलिज्म की तरफ गया। ये ऑल इस वजह से हुआ कि ये नेशनलिज्म, द प्राइड ऑफ वन नेशन इन इटसेल्फ, और उस प्राइड के अंदर एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल या अदर कंट्री, वो एक बेस बनती है नेशनलिज्म। क्योंकि जाहिर आप वॉर उसी वक्त लड़ सकते हैं जब आप नेशनलिज्म की उस झंडे में नीचे खड़े हो। डिस इंटीग्रेटेड नेशन तो वॉर नहीं लड़ सकते। सो नंबर वन कॉज जो है हमें ये नजर आती है। नंबर टू इज द इंपीरियलिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आफ्टर द यूनिफिकेशन, मैंने बताया था जर्मनी की यूनिफिकेशन के अंदर, ये जो सेकेंड फेज ऑफ इंपीरियलिज्म है ये वो स्टार्ट ही यूनिफिकेशन के बाद होता है। और वो इंपीरियलिज्म का फेज उसको कहते हैं स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। और अफ्रीका को इस तरह से डिवाइड किया गया, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया, और वहां से रिसोर्सिस को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया फॉर देयर ओन गेन, फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स। दैट इज इंपीरियलिज्म। और इस इंपीरियलिज्म की रेस से जब स्टेट की पावर बढ़ रही थी तो जाहिर है उसकी एक्सरसाइज तो कहीं होनी थी ना। दैट इज हमें उसकी मैनिफेस्टेशन नजर आती है आपकी वर्ल्ड वॉर वन के। इसके अलावा जाहिर जब नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म आपके सामने है और उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, उसमें अल्टीमेट उस वक्त स्टेट की पावर को मेजर करने का एक ही तरीका होता था, दैट इज उसकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग कितनी है। वो मिलिटरिज्म जो था वो भी एक मेन फैक्टर था, आपकी कितनी फौज है, आपकी एयरफोर्स कितनी है, कितनी आपकी नेवी मजबूत है, और आपके कितने जो है ना इक्विपमेंट्स हैं, कितने आपके जो है वो मॉडर्न वेपन्स हैं, ऑल दीज। और इन सबको पूरा करने के लिए फर्दर एक्सट्रैक्ट करते थे रिसोर्सिस को अफ्रीका से, इंपीरियलिज्म से, और इन सबको कंटिन्यू करने के लिए नेशनलिज्म की वेव होना जरूरी था। सो ये हमें नजर आती है कॉजेज जो बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन की तरफ लेके जाती है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी कॉज जो नजर आती है, दैट इज अलायंसेस सिस्टम। इसके ऊपर हेनरी किसिंजर बहुत ज्यादा लिखता है डिप्लोमेसी में, और वो कहते हैं कि यूरोपियन पॉलिटिक्स का जो बेसिक फ्लॉ था जिसकी वजह से ये टू वॉर्स हुई है, वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, इसका बेसिक एसेंस इनका जो अलायंस सिस्टम था जो सीक्रेट इन नेचर था वो हुआ था। और ये अलायंस सिस्टम इनका क्या था,
कि ये अपने उस यूरोपियन सॉइल के ऊपर बैलेंस ऑफ पावर रखना चाहते थे, उस बैलेंस ऑफ पावर के अंदर ये पावर्स को इस तरह से डिवाइड रखते थे कि कोई भी स्टेट बहुत ज्यादा मजबूत ना हो, ठीक। लेकिन इसका नतीजा ये होता था, क्योंकि आप अलायंसेस में हैं तो आप, और खासतौर पर सीक्रेट, दूसरी नेशन को पता नहीं होता था कि वो किस तरह के अलायंसेस में, दैट वाज द मेन रीजन अनदर। इसमें दो मेजर अलायंसेस हमें देखने को मिलते हैं, एक ट्रिपल अलायंसेस है जो कि जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर एंड जो आपका वो है ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, इनके साथ एक अलायंस था, ठीक है। इसी तरह ट्रिपल इंटेंट जो है ये हमें नजर आता है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन जो है फ्रांस और रशिया के दरमियान है। और ये अलायंस सिस्टम आप देखेंगे वैसे तो स्पार्क किया था जो ऑस्ट्रिया हंगरी का ये समझ लें कि हेयर था, उसकी जो असैसिनेशन हुई है सर्बिया के अंदर वो कॉज बनती है। बट जो जो आप ये समझ लें कि स्पार्क के बाद जो सिस्टम ने रोल प्ले किया कॉज में, वो डैट अलायंस सिस्टम, और फिर उसको जो कंटिन्यू रखा वो फिर नेशनलिज्म, मिलिटरिज्म और फिर इंपीरियलिज्म में उसको फिर फ्यूल देते रहे। सो दीज में फोर क्लासेस हमें नजर आती है। इसके अलावा फिर जाहिर है इसमें किस तरह जर्मनी के एम्परर विलियम सेकंड का रोल रहा, इसी तरह जो न्यूज़पेपर या पब्लिक ओपिनियन लेटर लिटरेचर डेवलपमेंट जो लेटर ऑन हुई उसका रोल रहा, इसी तरह फ्रांस जो है उसने अपना बदला लेना चाहा 1870 का, जो कि हमने देखा था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के अंदर, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के अंदर जब हमने देखा था कि बिस्मार्क ने किस तरह फ्रांस के एरियाज को, प्रोशिया फ्रैंको वॉर 1871 के अंदर वो एरियाज ले लिए थे, ठीक है। ये एक बहुत एल्पिक लॉरेंट की जगह थी, दोनों ने वो ले ली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी कॉज हमें नजर आती है, ये भी हेनरी किसिंजर अपनी डिप्लोमेसी वाली बुक के अंदर लिखता है, दैट इज के जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, होना चाहिए था सॉरी, वो एब्सेंट था, और वो हमें इमीडिएटली नजर आता है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन और फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद, कि इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है जो प्रॉपरली किसी स्टेट को डिटर कर सके या डेटरेंस क्रिएट कर सके, रेगुलेशन क्रिएट कर सके स्टेट के बिहेवियर के अंदर, वो हमें एब्सेंट नजर आता है वहां। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट हजूर इसमें ये है कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन है अब वर्ल्ड वॉर सेकंड, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो वो बनाया गया था, इसने स्टेट के बिहेवियर को, खासतौर पर वो स्टेट जो एग्रेसिव इन नेचर है, उसको किसी हद तक रेगुलेट करने की कोशिश की है। यही वजह है कि वर्ल्ड वॉर थ्री की तरफ हमने, वैसे तो और बहुत सारे कॉजेज हैं वर्ल्ड वॉर थ्री ना होने की, उसमें न्यूक्लियर का रोल है, स्टेट का बिहेवियर है, उसमें जो है ना वो आइडियोलॉजीज का रोल है, उसमें स्टेट की पावर की डेफिनेशन चेंज हो गई है, ठीक है, स्टेट की अपनी जो है वो एक्सरसाइज ऑफ पावर की फॉर्म चेंज हो चुकी है, उसकी नेचर ऑफ बिहेवियर जो है ना एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर स्टेट्स वो चेंज हो चुका है, और बहुत सारे कॉजेज हमें मिल सकती हैं कि वर्ल्ड वॉर थ्री जो है उसको किस डेटर दिया हुआ है। बट द मेन थिंग स्टिल the international system, it was absent during the first world war one, aur aap dekhenge ki jab inhone foreign realize kar liya tha, khas taur par americans ne, ki european politics mein international system nahi hai, jaise ki ek congress of vienna ne kuch bhi kahe, kitni bhi galiyan di humne congress of vienna ko, but at least they maintained peace, koi major war nahi hui, yani ki bahut zyada koi dhumardas nahi macha, ठीक है, जिस तरह वर्ल्ड वॉर वन के अंदर, वर्ल्ड वॉर टू के अंदर हो गए, ठीक है, तो उसने एक बैलेंस मेंटेन जरूर किया हुआ। वो बैलेंस डिस्टर्ब कैसे हुआ,
वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और ये अलायंसेस बन रहे हैं, फिर ऑटोमन एम्पायर किस तरह टूट रहा है, ईस्टर्न क्वेश्चन जो हमने देखा लास्ट टाइम, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो बैलेंस भी बिगड़ रहा है और ये सारा सिस्टम बन रहा था, उस वजह से वो कांग्रेस ऑफ वियना का जो 1815 में बैलेंस बनाया गया था वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। ये एक बहुत जो है ना वो कॉन्सेप्ट हमें नजर आता है। और फिर रियलिज्म का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर नजर आता है कि रियलिज्म जब स्टेट अपनी स्टेट सिक्योरिटी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, और स्टेटिज्म, इन कॉन्सेप्ट्स को सामने रखकर अपनी इंटरनेशनल एक्शंस लेती है, तो फिर जाहिर है उसमें वॉर ही अल्टीमेट आप चूज करते हो। तो ये एक जो है ना हमें नजर आती है बहुत बड़ी रीजन जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन जो है वो थी है ना। ये जाहिर है अलायंस सिस्टम जो मैंने बताया, अभी हम इस अलायंस सिस्टम को जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट करेंगे तो उसको थोड़ा और मजीद मजे का इसमें समझेंगे। ये टू अलायंसेज जो अभी मैंने डिस्कस किए, सेंट्रल पावर्स कौन थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर, ये सेंट्रल पावर्स हैं। और एलाइड पावर्स कौन सी हैं, जो के आपकी रशिया है, फ्रांस है और आपकी ब्रिटिश, ठीक है, ठीक है। तो ये तो है एलाइड पावर्स, लेकिन ट्रिपल अलायंस इसको कहते हैं और उसको ट्रिपल एंटांट कहते हैं, इसको कंफ्यूज ना करना। अलायंस, ट्रिपल अलायंस वाली पावर्स हैं सेंट्रल पावर्स, एंड ट्रिपल एंटांट वाली जो पावर्स हैं वो एलाइड पावर्स हैं, ये जरा ध्यान रखना याद, ठीक है। ये उनके लिबरल्स जो थे वो हैं, इसी तरह जो है ना ट्रिपल एंटांट जो उसके अंदर कौन कौन सी पावर्स हैं, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये सारी पावर्स इसी में हैं। इनके लीडर्स हैं वो नेपल्स जो अभी हमने रशियन रेवोल्यूशन के अंदर देखा था, ये वो है जॉर्ज ब्रिटिश का और याद करते हैं तो उस वॉर के अंदर जर्मनी ने ये प्लान को डेवलप किया था। इस प्लान के मुताबिक आपने जर्मनी ने पहले अटैक करना है फ्रांस को वाया बेल्जियम, ठीक है, और जब फ्रांस सरेंडर कर देगा उसके बाद रशिया को अटैक करना है, एक पॉइंट इस प्लान के मुताबिक। दूसरा, आर्मी के अंदर यूनिटी और उसकी जो आर्मी की जो वो है कम्युनिकेशन लाइन वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करनी, जो हमें नेपोलियन की वॉर के अंदर नजर आया था जब उसने रशिया के ऊपर सेकंड टाइम अटैक किया था 1812 के अंदर, तो उसकी जो कम्युनिकेशन लाइन थी फ्रांस से लेकर रशिया तक जा रही थी डीप इन मॉस्को, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन लाइन जब बहुत ज्यादा लंबी हो जाए तो फिर आपका इश्यू हो जाएगा। यहाँ पर ये भी था कि कम्युनिकेशन लाइन बहुत ज्यादा जो है ना वो आपने लेंथी या लॉन्ग नहीं करनी। तीसरा ये था कि आपने क्विक जो है वो अटैक करना है कि अगला जो एनिमी है आपका सामने वाला उसको समझ ही ना आए, वो प्रिपेयर ही ना कर सके अपने आप को फॉर द अटैक या रिस्पॉन्स। तो ये बेसिकली प्लान के अंदर शामिल था और इसी के ऊपर मुझे है ना वो जर्मनी ने प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की, जिसकी वजह से अर्ली वर्ल्ड वॉर के वन के अंदर अर्ली टाइम में उसको सक्सेस काफ़ी ज्यादा मिली, ठीक। ये आप देखेंगे इस तरह से फ्रांस जर्मनी और ये इन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। ये देख ले आपके सामने है, यहाँ पर रशिया है, यहाँ पर फ्रांस है, ये जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है और ये ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक। अच्छा, ये इस तरह अटैक करेगी जर्मनी, वो आएगा बेल्जियम आएगा अटैक करने और फिर रशिया को प्राप्त है न तो स्पा जो इमीडिएट कॉज बनी वर्ल्ड वॉर वन की, ये तो सारी जो है ना पाइल अप हो रही थी लॉन्ग टर्म काजेस थी। जो इमीडिएट हमें कॉज नजर आती है दैट इज कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी का हेयर था ऑस्ट्रियन थ्रोन के ऊपर, उसकी और उसकी वाइफ की क्वीन की असैसिनेशन हो जाती है इन सर्बिया जिसका एक इलाका है सेराजो,
और वहां पर जब अटैक होता है उनके ऊपर, वो मर जाते हैं, असैसिनेट, किल्ड, मर्डर, कुछ भी कहें। डेट वॉज ए ब्लैक हैंड, एक जो है जो कि सोसाइटी या काइंड ऑफ जिसके पर्सन ने ये काम किया, ठीक है, और किंग को मार दिया। क्यों, इस किंग को क्यों मारा गया, ये बेसिकली हमें नजर आता है कि राइट आफ्टर द मैट्रोनिच, ठीक है, 1848 के अंदर जब मैट्रोनिच जो है वो छोड़ के चला गया था, उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के अंदर डिफरेंट नेशंस के अंदर नेशनलिज्म बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई थी। डिफरेंट नेशन जो है ना अपने अपने इंडिपेंडेंट, और वो साथ साथ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली को भी देख रहे थे, तो उन्होंने भी अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स पर स्टार्ट कर दिया, और वहां से वहां डिफरेंट नेशन जो है ना अपने नेशनलिज्म को लेकर चल रही थी। तो इसी तरह सर्बिया भी अपने आप को ऑस्ट्रिया हंगरी से इंडिपेंडेंट करना चाहता था, और इसी नेशनलिज्म की हवा के अंदर जो है इन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी एम्परर को जो है मर्डर कर दिया, और ये एक जो है ना स्पार्क क्रिएट होता है ना। स्पार्क कैसे हो, ठीक है, मार दिया, इसमें वर्ल्ड वॉर वन की क्या वजह, जो वर्ल्ड वॉर वन की वजह वो अलायंस सिस्टम है जो अभी हम डिस्कस कर किया है। अब मार दिया जी ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का, गुड, ठीक है जी, हो गया जी उनका सर्बिया वालों। लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का अलायंस था जर्मनी के साथ और ऑटोमन एम्पायर के साथ, जो ट्रिपल अलायंस अभी हमने देखा, जिसके मुताबिक अगर ऑस्ट्रिया के ऊपर कोई इस तरह का होता है, अटैक होता है, इस तरह का कोई इशू होता है, तो आप जो है वो फिर हमारे साथ देंगे। और इसी तरह सर्बिया का जो मुआहदा था वो किया हुआ था इन्होंने रशिया के साथ, कि अगर मुझ पर ऑस्ट्रिया हंगरी कभी नेशनलिज्म कि वेव के दौरान अटैक करता है, जो कि ये मूवमेंट थी, तो आप हमारे साथ दें। और अगर रशिया पे कोई अटैक करता है तो ट्रिपल इंटांट के मुताबिक फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन रशिया की हेल्प करेंगे। तो ये अलायंसेस सिस्टम का जो एक सर्कल है, इसने बेस बनाई हुई थी इस सारे प्रोसेस की। और हुआ ये कि जब ये असैसिनेशन हो गई और उसके बाद जो सोफिया असैसिनेशन हुई है, वो सारा गेम हुआ जो अभी मैंने बताया, ये इलाका है जी, कोई इलाका है जी, ये नजर आ रहा होगा आपको, चलिए तो ये आपको पिक्चर में भी नजर आएगा, ठीक है, किस तरह से फाइनल जो ब्लो मिलता है, ये देखें, ये है यहाँ पर जो इलाका है जिसने कत्ल किया, और वो सारा जो कुछ हुआ, और ये गैब्रिलो प्रिंस की, ये फिर जो है उसको जिसने शूट किया था फ्रांस फर्डिनेंड को, ठीक, किंग को और उसकी वाइफ को, और बहुत बहुत जो है वो डाइट, और जिसने किया था तो जो है उसको भी अरेस्ट करके एक्सिक्यूट कर दिया गया। नो, पॉइंट ये नहीं था, ऑस्ट्रिया हंगरी ने फॉरन जो है अटैक किया विद द हेल्प ऑफ जर्मनी इन ऑन सर्बिया। सर्बिया का अलायंस रशिया से है, सर्बिया ने रशिया को कहा कि देखो ये हमारे साथ जो है मेरे ऊपर अटैक कर दिया है ऑस्ट्रिया हंगरी ने, ठीक है, नो द वॉर स्टॉप। अच्छा, रशिया ने जब सर्बिया के सॉरी ऑस्ट्रिया हंगरी ने जब सर्बिया के ऊपर अटैक किया आफ्टर द मर्डर ऑफ एम्परर और उसकी जो क्वीन थी, उसके बाद तो रशिया ने वॉर डिक्लेयर कर दी ऑस्ट्रिया के ऊपर, क्योंकि वो सर्बिया का अलायंस में है। जैसे ही रशिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर, तो जर्मनी ने रशिया के ऊपर कर दी, जब जर्मनी ने डिक्लेयर की रशिया के ऊपर, तो फाइनली जो है वो फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी, एंड द वर्ल्ड वॉर बिगेन, ठीक है, और वो फिर स्टार्ट हो गई फॉर ऑल दीज काम। तो दिस वॉज वर्ल्ड वॉर वन कॉज। नो द नेक्स्ट
टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ और उसके बाद से लेकर वर्ल्ड वॉर टू तो कैसे फॉर्मेशन होती गई, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।